जय हिंद दोस्तों, UDCRA में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे आपके जर्सी और क्रोएशिया के बीच में खेले जाने वाला जो नेक्स्ट आपके ड्रीम इलेवन ECC T10 का मैच है, उस मैच के बारे में कौन से वो 11 प्लेयर्स होंगे दोस्तों जिनकी जगह बन पाएगी हमारे प्राइम टीम में। दोस्तों किसमें? हमारे प्राइम टीम में, उसके बारे में ही आपको बताया जाएगा दोस्तों। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है दोस्तों, स्किप नहीं करना। स्किप करोगे तो बहुत सारे अपडेट्स अब मिस कर जाओगे, तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो शुरू करने से पहले है ना, शुरू करने से पहले एक बार आपको हमारे टीम्स की विनिंग्स एक बार जल्दी से दिखा देते हैं दोस्तों। चलिए हमारे टीम्स कितना विन कर रहे हैं ये देखिए। पहले तो आपको ग्रैंड लीग के रैंक्स एक बार दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारे ग्रैंड लीग के रैंक कितने आई, 46 दोस्तों। इसमें कितने आई दोस्तों, आपके सामने है जो भी 87 हमारे ग्रैंड लीग के रैंक से दोस्तों। दो हेड टू हेड हमने ज्वाइन किए थे, इसमें भी हमारी रैंक कितनी है दोस्तों, 1-1 इन विनिंग जोन हम दोनों में। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हर एक मैच की फाइनल टीम, एक से बढ़कर एक टीम हम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों। ये देखिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था, इसमें हमारे टीम के परफॉर्मेंस देखिए दोस्तों। गिल हमारे कैप्टन थे दोस्तों, हमारे टीम में वार्नर गायकवाड जैसे जिनको किसी ने नहीं, गायकवाड को दोस्तों किसी भी हमारे ओपोनेंट ने लिया नहीं है दोस्तों, और हमने एक तरफा विन किया। ये देखिए हमारे टीम्स जो हमने आपको प्रोवाइड की उसके पॉइंट्स के डिफरेंसेस देखिए दोस्तों कितने हैं दोस्तों, 100 से भी ज़्यादा पॉइंट के डिफरेंस से हम एक तरफा विन कर रहे हैं दोस्तों। आपके सामने है जो भी 100 से भी ज़्यादा पॉइंट के डिफरेंस विन करें। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, एशिया कप में भी हमारे टीम ने कहर मचा के रख दिया दोस्तों। चलिए एशिया कप की टीम्स भी आपको दिखाते दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों एशिया कप के परफॉर्मेंस हमने एक साथ आपके साथ शेयर किया सारे मैच के। ये देखिए मोहम्मद सिराज हमारे फाइनल में कैप्टन थे दोस्तों। सभी एक्सपर्ट्स का दावा था ये स्पिनर्स का ग्राउंड है, पर हमारा क्या दावा था हमने पहले बता दिया दोस्तों। हमारा दावा था ये आपके फास्ट बॉलर्स का ग्राउंड, इसलिए हमारी पिच रिपोर्ट को ही आपको फॉलो करना है दोस्तों। किसी और के पिच रिपोर्ट को आपको फॉलो नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्राइम पिच रिपोर्ट को ही आपको फॉलो करना है। वो आपको कहाँ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ वीडियो में ही दोस्तों। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हमारे आज हमारे कैप्टन थे दोस्तों। ये देखिए इस मैच में भी दोस्तों हमको अपडेट मिल चुका था कि तंदिन साक के मुस्तफिजुर रहमान और नसून अहमद ये तीन प्लेयर्स अच्छा करेंगे दोस्तों, ये हमें मालूम पड़ गया था मैच से पहले। उसके अकॉर्डिंग हमने टीम बनाकर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया था दोस्तों। तो ये देखिए ये हमारे टीम है जो आपके सामने। कितने पॉइंट्स हैं हमारे दोस्तों, 1000 से भी ज़्यादा पॉइंट्स हैं दोस्तों। एक और मैच देखते हैं, ये देखिए इसमें हमारे कैप्टन इफ्तिकार अहमद है दोस्तों। हमें इस मैच में इफ्तिकार अहमद का न्यूज़ मिला था कि ये अच्छा करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इनको कैप्टन बना दिया था, तो इसलिए हमने एक तरफा विन किया। इसमें देखिए कुलदीप यादव हमारे कैप्टन और वालेंगे हमारे वाइस कैप्टन थे दोस्तों। ये देखिए 974 पॉइंट दोस्तों। तो कुछ इस तरह से अगर आपको भी जीतना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे चैनल को फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। सेकेंडली आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल से लेना है, क्योंकि टेलीग्राम पर हम फाइनल टीम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो जल्दी से टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, है ना। तो अगर अभी बात करें इस मैच की, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैच पर चलना है, उसके बाद क्रिएट टीम पर चलना है। जब तक मैं टीम बनाऊँ आपको दो चीज़ें सबसे पहले करना है, वो क्या, पहले तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा आपको क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है दोस्तों। ये दो चीज़ें आपको सबसे पहले करना है दोस्तों,
है ना, ये दो चीज़ आप कर लेना, तब तक मैं आपको टीम बना के प्रोवाइड कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ से आपको विकेट कीपिंग सेक्शन के जर्सी की टीम से पहले अगर मैच के बारे में आपको ओवरव्यू दे देते दोस्तों, अगर इस मैच की बात करें ना, ये मैच जर्सी की टीम आसानी से जीत जाएगी, ये मैं जानता हूँ दोस्तों, आसानी से जर्सी की टीम ये मैच जीत जाएगी दोस्तों। तो आपको जर्सी की टीम से ज़्यादा प्लेयर्स टीम में रखना, 7-4 का कॉम्बिनेशन या फिर 8-3 का कॉम्बिनेशन, आपको ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं दोस्तों, ये चीज़ आप याद रखना। तो यहाँ से पी गॉज आपके खेलते हुए दिखेंगे, और विकेट कीपिंग से, बैटिंग से आसार ट्राइब, ब्रेन हैं जेड ट्राइब, लॉरसन स्मिथ, ऑलराउंडर है पैचार्ड और समरी और खेलेंगे, बॉलिंग में से ब्रिटन, पुलमैन और केली आपको खेलते हुए। मेरे टीम की बात करें, कोच ट्राइव, ब्रेनहान और से पैचार्ड, समरी और पुलमैन तो ठीक ठाक कर रहे हैं दोस्तों, पुलमैन को लिया जाएगा। मैं इसी टीम के साथ जाऊँगा, मैं शायद जैसे ब्रिटन को भी टीम में रख लूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने इन 7 प्लेयर्स को ले लिया है, मैं किसी भी हालत में इन 7 प्लेयर्स को ड्रॉप तो करूँगा नहीं। अगर मैं जो दूसरी टीम की बात करें ना आपके सामने, तो यहाँ से आपको जिनको लेना है, यहाँ से पीए बोसेंजग आपको खेलते हुए दिखेंगे, पर मेरे हिसाब से ये कुछ खास ऑप्शन आपके लिए बनेंगे नहीं। जे न्यूटन खेलेंगे, महेश्वरी खेलेंगे, लंबासा खेलेंगे, यहाँ से आपके लिए दो ही प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है, महेश्वरी जो बैटिंग और बॉलिंग कर दोनों कर रहे हैं, न्यूटन जो टीम की ओपनिंग कर रहे हैं दोस्तों, प्लस 2 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं और टीम के कैप्टन से सब कुछ है दोस्तों। यहाँ से आपको डी डबी जो भी खेलेंगे, एन खान खेलेंगे, ये आपके बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे, इनको लिया जाएगा, और जूजिक को लिया जाएगा, जूजिक को नहीं ठाकुर को लेंगे दोस्तों, क्योंकि ठाकुर बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहे हैं। तो ये बन जाएगी अपनी टीम दोस्तों, आप मेरे टीम का प्रीव्यू देख लीजिए, अगर इसमें मुझे कुछ भी चेंज करना हो आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा दोस्तों। कैप्टनसी की बात करें, आशा ट्राइब मेरे कैप्टन होंगे, वाइस कैप्टन मेरे पहचान होंगे, आशा ट्राइब को मैं शायद इस मैच में अपना कैप्टन ना बनाऊँ, मैं अपना कैप्टन यहाँ से पैचार्ड को बना के वाइस कैप्टन आपको समारी को बना सकता हूँ, क्योंकि अगर क्रोएशिया की टीम पहले बॉलिंग करे रन तो बनेंगे नहीं, सेकंड बैटिंग करे तो ये रन चेंज होंगे नहीं दोस्तों, ये आसानी से मैच हार जाएगी जितना मुझे लग रहा है दोस्तों। तो इस सोच के साथ ही मैं चेंज करूँगा दोस्तों, बाकी आप एक बार इस टीम का प्रीव्यू देख लीजिए, अगर इसे मुझे कुछ भी चेंज करना हो आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगा, लिंक आपको टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना, जल्दी से लाइक कर दीजिए दोस्तों, अगर लाइक नहीं किया तो चैनल पर नए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।